Hello friends, so welcome to this channel Shweta Concept. In this video, we are going to very important and epic bill, that is Assisted Reproductive Technology Regulation Bill. अभी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया, so we will discuss इस टॉपिक के सभी dimensions और इस पे analysis हम करेंगे, its importance, actually what is it and how questions can come and how we, what are the topic you need to cover, you need to understand about this bill. So this is one of the very good and very very appreciative move in favor of women of the country. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को, अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ राइट बॉटम में आप देखिए रेड बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी आर अपलोडिंग ऑल द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन दिस चैनल. सो और ये टॉपिक जीएस पेपर टू, अगर आप यूपीएससी और आईएएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं देन तो ये टॉपिक जीएस पेपर टू में इंक्लूड है. अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड इश्यू अराइजिंग आउट देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, देन यू कैन इंक्लूड दिस टॉपिक और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक्स इन योर आंसर्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल्स इट्स ऑल द डायमेंशंस ऑफ दिस टॉपिक्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ रिसेंटली हमने न्यूज में देखा है कि कैबिनेट्स अप्रूव्ड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस बिल. हियर इन द स्नैप यू कैन सी from one of the these premier's newspaper and assisted reproductive technology regulation bill pehle propose kiya gaya tha national registry of councils ke dwara and baad mein unse cabinet ne approval de di hai. ab ye bill actually mein hai kya, iske impact kya hain, isme kya iske rules and regulations isme include kiye jayenge. So this is a very important topic aur unke liye hai, un couples ke liye hai jinhe offspring nahi ho rahe hain, jinke bacche nahi ho rahe hain, unke liye ye bahut हेल्पफुल बिल है. उनके प्राइवेसीज एंड उनसे रिलेटेड और वो किस तरह टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए इन ए प्रॉपर वे, किस तरह से इंफॉर्मेशन को सेव एंड सिक्योर रखा जाए उनके लिए. सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो लेट्स डिस्कस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल्स 2020. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एआरटी? ओके, ये एआरटी क्या है? इट्स फुल फॉर्म इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अब इसे समझते हैं एक्चुअली है क्या. सो इट्स वेरी जनरल, इट्स अ प्रॉब्लम दैट इफ एनी कपल्स आर नॉट एबल टू मींस गेट देयर ऑफ स्प्रिंग्स इन द नेचुरल वे, अगर उनका नहीं होता है तो ये एक यूज ऑफ, ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे साइंस, एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी की यूज से उन कपल को बच्चे होते हैं. ओके, सो इन दिस प्रोसेस और प्रोसीड्यूर इट कंप्राइजेज, ये क्या है, ये होता है, इंक्लूड करता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVP टेक्नोलॉजी का यूज होता है इसमें, इंट्रा यूट्रेन insemination IU technology hai, ye bhi use hota hai, oocyte and sperm donation include under this, cryopreservation and include surrogacy as well, ye sab technology jo hai na, ye sab technology use hota hai, that command collectively known as assistive reproductive technology ART. so isse related abhi bill ka approval pass ho chuka hai by our cabinet. so and अब नेक्स्ट क्वेश्चन arises, व्हाट आर द मेन reasons फॉर द डिमांड ऑफ एआरटी इन इंडिया, मींस इतने रीजन क्या है जो कि इसकी डिमांड जो है ना डे बाय डे इंडिया में बढ़ रही है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस ड्यू टू सोशल स्टिग्मा ऑफ बीइंग चाइल्डलेस एंड लेंथी एडॉप्टेशन प्रोसेस, अगर कोई भी कपल अगर एडॉप्ट करना चाहे कोई चाइल्ड को तो जो लीगल प्रोसेस जो है ना वो थोड़े लंबे हैं, लेंदी हो जाते हैं वो प्रोसेस. ओके, सो दैट्स एक्चुअली टेक्स टाइम, सो दैट्स व्हाई लार्ज मास इज मूविंग टुवर्ड दिस टेक्नोलॉजी एआरटी. सो दैट एक्चुअली हेल्प इट मींस इसी के कारण एआरटी बिल को लाना जरूरी है और ये बिल पास हुआ है और ये बिल अब लॉ बन जाएगा after the approvals. okay, so ab isme dekhte hain what are the significance, theek hai, ab iske important significance kya ho sakte hain, kya hai. okay, agar bade dimension mein dekha jaye it's a major benefits actually this bill is for aim to regulation of the assisted reproductive technology services in the country. ab ART se serve jo clinics aur jo hospitals jo ART service provide kar rahe hain ye ek रेगुलेशन ला रहा है, ठीक है, दे मस्ट फॉलो द मिनिमम
criteria, minimum eligibility criteria may fulfill some conditions to do this process. Okay, so the before that, उससे पहले कोई बिल नहीं था ERTC related, ये बिल first time आ रहा है, so that's why its main aim is to regulation of the assisted reproductive technology services in the country. It's also help to protect the affected women and children from being exploitation. अगर इस technology का कोई use हो रहा है और जो बच्चे हो रहे हैं जन्म और जो जो माए और बहने जो इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना, तो उनको सोसाइटी में एक्सप्लॉइट ना हो, उनका कोई मतलब सोशल ओशल मतलब जो बोला जाए ना नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो सोशल में, उसके लिए ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर हम प्रीवियस डेटा देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि ईआरटी में एनालिसिस करती है, शॉर्ट फॉर्म आईसीएमआर होता है, तो देयर आर इन इंडिया एज ऑफ नाउ अभी तक 1269 ईआरटी क्लिनिक्स ऑपरेटेड इन इंडिया टिल नवंबर 2019 तक में, ये डेटा रहा है. और इसमें टॉप स्टेट है जिसपे सबसे ज्यादा ईआरटी की क्लिनिक्स है वो है महाराष्ट्र, एंड सेकेंड में आते हैं तमिलनाडु, थर्ड पोजीशन पे दिल्ली, फोर्थ पोजीशन पे कर्नाटका, फिफ्थ पे उत्तर प्रदेश, एंड सिक्स्थ पे गुजरात. दीज आर द मेजर सिक्स स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर एआरटी क्लिनिक्स आर इन मैक्सिमम नंबर. ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल रिपोर्ट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. सो दिस यू नीड टू नो एटलीस्ट दैट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू. अब इस बिल जो आ रही है, अब इसके इम्पैक्ट फीचर्स क्या है, व्हाट आर द इम्पैक्ट फीचर्स. सो बिल के इम्पोर्टेंट द मेन एक्सपेक्ट जो है ना, हमें कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आएंगे यहीं से उठ के आएंगे. ओके, इफ इसके फीचर्स के आपको रट लेना है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे समझ के नोट कर लीजिएगा अच्छे से. सो दिस वुड लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल बोर्ड. अब ये बिल एक हेल्प करेगा एक नेशनल बोर्ड बनाने में, टू ले डाउन ए बोर्ड एंड इम्प्लीमेंट ए कोड ऑफ कंडक्ट, सो डैट की जो भी बिल्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पर्टिकुलरली कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं, इन्फोर्स हो रहे हैं कि नहीं इन द आईवीपी क्लिनिक्स. ओके, वो इस ये बोर्ड का जो बनेगा डेवलप होगा वो उसकी निगरानी करने के काम आएगा और उसका मेन फंक्शन ये होगा. उसके बाद दूसरा पॉइंट देखा जाए, इट डिटरमाइंस द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये बिल आल्सो डिटरमाइन करेगा कि जो क्लिनिक ईआरटी यूज कर रहे हैं उनके पास एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमम पिच पे एक फुलफिल उनको करना पड़ेगा. लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक के लिए लेबोरेटरी, ठीक है, और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स होना चाहिए उनके पास, एक्सपर्ट मैन पावर टू बी एम्प्लॉयड बाय द ईआरटी क्लिनिक्स, एक्सपर्ट मैन पावर, वेल एडुकेटेड एंड एक्सपर्ट मैन पावर होने चाहिए ये सब, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग ईआरटी. सो एक्सपर्ट मैन पावर, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एट ए मिनिमम स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया रहेगी, वो उनको फुलफिल करना चाहिए. सो ये सब बिल उसको रेगुलेट करेगी, ये सब जो बोर्ड बनेगा वो रेगुलेट करेगी. उसके बाद देखेंगे, दिस बिल इंटेंड टू मेक द जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयर मैंडेटरी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. ओके, सो ये एक मैंडेटरी हो जाएगा कि जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयर होना होगा उसका आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस. ओके, सो दैट द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड बॉर्न थ्रू एआरटी. सो उसका क्या बेनिफिट्स है, वो है वो सब चीज को एक ट्रैक और रिकॉर्ड में रखा जाए उसके लिए. एंड दिस बिल आल्सो सीक्स टू स्ट्रीमलाइन द क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्म, ओसिट्स एंड एम्ब्रॉय. ये बिल एक करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा कि जो भी क्रायो प्रिजर्वेशन होगा उस सेल्स का प्रिजर्व किया जाएगा. ओके, प्रिजर्व करके रखा जाएगा फॉर फ्यूचर एनालिसिस और फ्यूचर रेफरेंस के लिए. एंड दिस ऑल्सो कंस्टिट्यूट द नेशनल रजिस्ट्री. ये जो बिल एक बिल है मैंडेट करता है एक नेशनल रजिस्ट्री का डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. जो अथॉरिटी होगा वो पूरे इस जितने भी जो भी वर्क्स एंड जो भी हो रहे हैं डेटा, वो उनका एक डेटाबेस की तरह रहेगा. दे विल स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एआरटी दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय द डिफरेंट क्लिनिक्स. सो ये सभी इंफॉर्मेशन को वो एक एज अ डेटाबेस, ये जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रहेगी इट विल एक्ट एज अ डेटाबेस फॉर दिस ERT clinics to store all the informations in there. Okay, and this bill also propose the stringent punishment for those. ये bill में ये भी प्रावधान है कि उनको stringent strict
पनिशमेंट मिलेगा फॉर दोज पार्टिसिपेटिंग इन सेक्स सिलेक्शन, सेल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज और गैमेट्स और रनिंग एजेंसी रैकेट्स ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के अनलॉफुल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का भी प्रावधान है इस बिल के तहत. ओके, सो इन ओवरऑल पिक्चर दिस इज वन ऑफ द इपिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल दैट हैज बीन पास्ड टिल डेट by the Indian government and groups by the cabinets. Okay, so hope you get some good informations about this bill. So if further coming, so we will bring out the second part of this video. So these are the main topics that will be covered in this. So you need to know all these things. So important for GS paper 2 also. And these are the very important points, keywords you need to remember that can be asked in your SSC, railway, RRC questions. यहाँ से आ सकते हैं. Question उठ के जरूर बन के आएंगे. एकदम आएंगे. Sure shot question आने वाले हैं. So hope you get a good information. Thank you for watching and all the best friends for your upcoming examination. अगर आपको डाउनलोड करना हो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कर लें. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को. ठीक है, सब्सक्राइब करना टोटली फ्री होता है, कोई चार्जेज नहीं होती है, एकदम टोटली फ्री 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 होता है. ओके, किसी को कुछ देने की कोई जरूरत नहीं होती है. राइट बॉटम में आप देखेंगे एक रेड बटन होगा, आप क्लिक कर लीजिए, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स टॉपिक एनालिसिस विद ऑल डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक्स इन दिस चैनल. ओके, सो आप इसे हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. So till then, take care. Bye-bye. Have a wonderful day, friends. Thank you.